को गोंडोला कहते हैं ना, स्काई व्यू। आहा सर, ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। अच्छा। जो हमारे पास गेस्ट आते हैं ना, हाँ हाँ, हम उनका हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, उनका नाम, अच्छा, एड्रेस, परमानेंट मोबाइल नंबर, ठीक है, और वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है, कंफर्म करते हैं कि वैक्सीनेशन लिया है उसको नहीं लिया। ठीक है ठीक है। जैसे आपने हमारा टेम्परेचर भी चेक करा अभी, है ना? चलो टेम्परेचर चेक करना है सबका। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। भाई जी डिटेल्स पूरी अंदरों मिलेगी, टिकट वगैरह की होता है ना? ऊपर किधर जाना पैना? ये सीधा चले जाओ, और ये हमारे वॉशरूम जाने तो। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। वाह, आप सबका स्वागत है ए मैंस व्लॉग में। और आज हम पतनीटॉप आए हुए थे और वहाँ पे हम स्काई व्यू आए हुए हैं, स्काई व्यू गंडोला। और यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये कब से ऑपरेशनल है और डिटेल्स भी जानते हैं। सर नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्काई व्यू गंडोला। माय नेम इज वसंत एंड बात कहें इस ऑपरेशनल की, इसको 3 साल हो चुके हैं रनिंग में। ओके जी। जिसमें इस रोप पे जो है हमारा इंडिया का हाईएस्ट रोप पे है। बाकी जितना भी हमारा एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, बाकी रेस्टोरेंट है, वो सारे हमारे बेस कैम्प जिसको हम स्काई व्यू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। okay. इस जगह को हम स्काई व्यू टेरेस बोलते हैं। okay. जी। यहाँ पे जो इसके रोप वे के चार्जेस क्या हैं? जी मैं आपको बता दूं सर, रोप वे के जो चार्जेस हमारे हैं वो इस समय 999 प्लस टैक्सीज रहेंगे। okay. उसके बाद ही जो उसका 1180 रुपीज़ हमारा मेन प्राइस है, उसके बाद ही डिस्काउंट पे हम बात करते हैं। तो मेन प्राइस इज़ 1180। बाकी अगर सीनियर सिटीज़न होंगे, okay, जो कि 60 अबव या 60 होंगे, उनके चार्जेस ऑलमोस्ट रहते हैं 710। जो किड्स होंगे 12 ईयर्स या 6 ईयर के बिलो, उनका भी 710 चार्जेस रहते हैं। बाकी जो अडल्ट रहते हैं उनकी हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को रेट अलग रहते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को रेट अलग रहते हैं। ओके, ये एवरी डे ऑपरेशनल रहता है ये? जी अभी तक तो हम सिर्फ ट्यूसडे को ऑफ करते हैं जी, मेंटेनेंस वर्क के लिए, बाकी दिन ऑपरेशनल रहता है। ओके और टाइमिंग क्या होती है? सर मॉर्निंग हम 10:30 शुरू करते हैं आफ्टर अलाइनमेंट, और इसको इवनिंग 6 o'clock तक रनिंग रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ नियर बाई आती तो हम इसको डिक्रीज करेंगे टाइम को। बिल्कुल, विजिबिलिटी कम हो जाती है ना जी, इसलिए। और ये जाती कहाँ तक है रोप पे, जो कितना डिस्टेंस है? हाँ, कितना डिस्टेंस की बात रही सर, ये इंडिया का पहली बात ये सबसे इंडिया का हाईएस्ट रोप वे है फ्रॉम द ग्राउंड क्लियरेंस। सेकेंडली इसकी टोटल लेंथ है 5.6 किलोमीटर। वन साइड इज़ 2.8 एंड सेकेंड साइड इज़ 2.8। इट टेक्स 15 minutes टू गो डाउन एंड 15 टू कम अप, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द गंडोला केबल कार। राइट नाउ इट्स रनिंग 3.5 मीटर पर सेकेंड, जिसकी तो इसलिए 15 मिनट्स आपको नीचे तक लगते हैं पहुंचने में, हमारे बेस कैंप तक, स्काई व्यू वर्ल्ड तक। अगर स्पीड और डिक्रीज़ हो जाएगी तो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द केबल कार। तो नीचे जो हमारा बेस कैंप है वो 11 एकर्स की ग्राउंड में है, जिसमें हमारे रूम्स आने वाले हैं। रनिंग अब अपकमिंग हमारे जो है एक और रेस्टोरेंट है। राइट नाउ वी हैव अ रेस्टोरेंट नेम एज अ बनाना लीफ। Further, we have all the adventure activities like zipline, tubing, magic carpet, mountain biking and hiking। ये सब चीज़ें नीचे ऑपरेशनल रहती हैं। Okay, that's great, that's great। बहुत बढ़िया बात है ये तो जी। ठीक है, और कुछ आप इसके बारे में कुछ और फीचर जो ऐसा हो जो हम आपसे नहीं पूछ पाए हों, जो आप खुद बताना चाहते हो? सर मैं आपको रोप वे का बता दूं, ये कोई नॉर्मल रोप वे नहीं रहेगा। दिस इज़ अ फ्रेंच कोलैबोरेशन। ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है पोमा की तरफ से। अभी तक जितने भी रोप वे लगे हैं उनसे सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारा ही रोप वे है। इसमें इतनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे लगता है पूरे इंडिया या एशिया में इतनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किसी भी रोप वे के नहीं हैं। इसमें ऑलमोस्ट 200 to 300 चेकलिस्ट होती हैं, उसके बाद ही हम इसको ऑपरेशन लाते हैं। अगर इनमें कोई भी एक डिले हो जाता है तो हम इसको ऑपरेट नहीं करते जब तक हमें उसका पता नहीं चले। तो इसकी इतनी स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड है जो कि हम बोलते हैं कि वर्ल्ड की सेफेस्ट रोप वे है अभी तक का। इसकी मेंटेनेंस पूरी हर एक थॉरली चेक की जाती है बाय थ्रू इंजीनियर्स। हमारे फ्रांस के भी इंजीनियर्स आते हैं, वो चेक करते हैं इसको हर 6 मंथ, विद इन 3 मंथ वो आते रहते हैं, इसको टूर करते रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको एट अ टाइम फिक्स कर लेते हैं। और कभी वैसे अभी कोई नौबत नहीं आई और कभी भी इन फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसकी मेंटेनेंस काफ़ी हाई लेवल तक ले जाते हैं। तो डेली कुछ चेकलिस्ट होती होगी डेली बेसिस पे जो आप जब स्टार्ट करते हैं दिन में मॉर्निंग में, तो उसको हम रिव्यू करते हैं। जी, जब हम इसको ऑपरेशन करते हैं, हम 10:30 इसको ऑपरेशन करते हैं फॉर द कस्टमर। उससे पहले 9 o'clock ये शुरू हो जाता है अलाइन होना, क्योंकि हम केबल कार्स को हम ऑन द लाइक इन द एयर नहीं रखते हैं। हम इसकी हमारे पास गैरेजिंग है, हमारे वो स्काई व्यू वर्ल्ड में गैरेजिंग होती है इन केबल कार्स की। जब हम इनको रिलीज़ करते हैं तो हर एक वायर्स, एक एक चीज़, पिलर्स चेक किया जाता है, एक एक नट बोल्ट, एक एक टायर चेक किया जाता है हमारे थ्रू इंजीनियर्स के थ्रू। उसके बाद ही उसको ऑपरेशन लाया जाता है। अदरवाइज़ हम कभी इसको ऑपरेशन नहीं ला सकते जब तक हमें इंजीनियर की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिले। चलो बहुत बढ़िया बात है। जी, मैं आपको बता दूं सर, देखिए अभी आफ्टरनून के टाइम में हमारा जो क्राउड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि लंच टाइम रहता है, तो इन केस वो मैक्सिमम प्रेफर करते हैं लंच के बाद। जैसे ही लंच ख़त्म होता है आफ्टर 3 o'clock यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये इवनिंग तक रहता है। ठीक है। और ये यहाँ पर होटल भी हैं आपके, आप कह रहे हो हैं? वेरी सून हमारे रूम्स आने वाले हैं जो कि डूम हट और काफ़ी एक्सक्लूसिव रूम्स रहेंगे, जो कि काफ़ी VIP रूम्स रहेंगे। वेरी सून उसकी इनॉग्रेशन पेंडिंग में है। That's really great and ठीक है। इसकी हाइट है क्या सर? बेसिकली अगर आप ऑल्टीट्यूड के हिसाब से बात करें तो गुलमर्ग वन इज़ द हाइस्ट वन। अगर आप फ्रॉम द ग्राउंड क्लियरेंस बात करें, क्योंकि ये इंडिया का सबसे ऊंचा फ्रॉम द ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसका 5th पिलर है, 5वां पिलर है जो इसका पोल है, वो 65 मीटर की हाइट तक केबल कार को ले जाता है। तो इतने ऊंचे पिलर किसी भी केबल कार के नहीं है इंडिया में, बीच में पिलर पड़ते हैं जाके दिस ऑल। तो इसी कारण इसको इंडिया का हाइस्ट रोपवे कहा जाता है। हम वैसे सोच रहे थे कि यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है जो हमारे पीछे अभी, वो शायद हाईएस्ट है। आप इस समय खड़े हैं 1994 मीटर अबव दी सी लेवल। तो जहाँ पर ये केबल कार छोड़ता है वो है 1344। तो बीच में एक जगह आती है जहाँ पर हमारा 5वां पोल है, वो है 65 मीटर की हाइट पे। तो इसलिए अच्छा, जो सॉरी आपको इंटरप्ट किया, नॉट एन इशू। जो नीचे जगह है बिल्कुल, उसका क्या नाम है? और बेसिकली उस एरिया को हम संगोथ बोलते हैं। जब ये केबल कार नहीं बना था वो एक्सप्लोर नहीं थी जगह। जब से केबल कार शुरू हुई है तब से वो जगह काफ़ी एक्सप्लोर हो गया और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो चुकी है। ओके, इसी के कारण। चलो ठीक है भाई जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी, आ जाओ।